as possible. Shukriya ji. Ab Mohtarma Asma Hadid Sahiba, baat karein. Ji, bahut shukriya. Pehle to main apni Mohtaram aur honorable colleagues ke alhamdulillah main apne father ki taraf se direct descendant hu Raja Dudhlmal ki. और मैंने उनके बारे में यही सुना था, मुझे यही उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया था कि राजा डोटलमल जब आए थे तो जिस उससे पहले जो जिसकी हकूमत थी उस बादशाह ने अपनी अवाम को इतना तंग किया हुआ था और इतना उनको अजाब में डाला था, इतना जुल्म करता था. उस पर जब वो आए राजा डोटलमल तो उनको बहुत मुश्किल लगा कि अवाम जी सकेगी. वही हाल अभी पाकिस्तान का हमारे इधर जो बेंचों में बैठे हैं उन्होंने किया था. और जो हशर आप लोग करके गए, राजा डोटलमल के पास तो फिर भी बेकुछ था कि वो अपने गरीब अवामों को देता, लेकिन इस हकूमत ने, पिछली हकूमत ने खजाने को इस तरह लूटा खाया कि मेरा ख्याल है अगर राजा डोटलमल इस वक्त होते तो वो शायद चले जाते. वो कहते ऐसे अब जिंदा बचने का कोई तरीका ही नहीं रहा कि मैं क्या लेकर आऊं. तो इस पर जो असद उमर साहब ने, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, मुझको बिल्कुल राजा डोटलमल जैसे ही लगे हैं, जैसे मैं अपने फादर से सुनती थी राजा डोटलमल की क्वालिटीज फाइनेंस हैंडल करने के लिए. असद उमर ने वैसे किया, इट वॉज इम्पॉसिबल. अगर राजा डोटलमल होते तो शायद वो कभी ना कर सकते जो असद उमर ने किया. हैट्स ऑफ टू असद उमर. थैंक यू असद उमर साहब, पाकिस्तान को बचाने का और इतना दिन रात मेहनत करने का, निकालने का. दूसरी बात, मैं अपनी बहन को सुनते हुए मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई. शर्मिंदगी इस बात पे हुई कि जब मैंने पीटीआई ज्वाइन की तो मैंने इन खातून को देखा, नाज बलोच बीबी को, और मैंने इतना इज्जत, इतनी इज्जत हर लीडर ने जो इनको दी, सर पे रखा. सर इमरान ने जो इस खातून को इज्जत दी, अगर वो मुझे मिली होती तो मैं जान दे देती, मैं मर जाती. मैं कभी भी अपनी लॉयल्टी मफाद के लिए मैं ऐसे करती. राजा डोटलमल की औलाद होते हुए ये हमने नहीं सीखा कि जब किसी की लॉयल्टी पे आ जाओ, मर जाए अगर भूखा मर जाए, अगर हमें कुछ ना मिले, लेकिन मफाद के लिए अगर आपको अपनी औलाद भी बेचनी पड़े तो आप चले जाएं.